हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है सुशांत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस विद्या मंदिर के चैनल पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर की वजह से फोर्स और वो भी एक मिरर पे मतलब एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पर ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही ऑसम awesome कंटेंट्स मिलते रहे तो शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक है फोर्स ऑन अ मिरर ड्यू टू लाइट इंसिडेंट ऑन इट और इसमें हम एक स्पेसिफिक केस देखेंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका देखते हैं जहां हमको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मिरर हैज पार्चर डायमीटर डी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर सोर्स इम पावर डब्ल्यू एंड द मिरर सर्फेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग फाइंड फोर्स ऑन द मिरर ड्यू टू लाइट इंसिडेंट ऑन इट अब आप देखो कि अगर एक मिरर है तो वो किसी एक स्पेयर का पार्ट होगा ठीक है ऐसा एक मिरर है तो एक स्पर का पार्ट होगा और वो स्पेयर का जो रेडियस होगा उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक सोर्स है जिसका पार है डब्ल्यू तो इस फेयर पर जो इंटेंसिटी सोर्स की वजह से मिलेगी वो इंटेंसिटी होगी पार अपॉन एरिया मतलब डब्ल्यू अपॉन फोर पा आर वो इंटेंसिटी है जो कि इस फेयर के सरफ़ेस पर मिलेगी ठीक है अब आगे बात करते हैं कि इस इंटेंसिटी की वजह से किसी एक पॉइंट पर रेडिएशन प्रेशर कितना आएगा तो आप सोचो कि सोर्स से अगर ऐसा लाइट निकली और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहां पे जो रेडिएशन प्रेशर आता है वो प्रेशर का वैल्यू होता है टू आई बाई सी हमने थ्योरी में पढ़ा है परफेक्टली सरफेस के लिए ये वैल्यू कितनी होती थी आई बाई सी तो ये दो फैक्ट्स हमको पता है और इनकी हेल्प से चलो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं अब जो हमारे पास मिरर था उसका तो था स्मॉल डी अब अगर हम इस मिरर के ऊपर कोई एक पॉइंट ऐसा थीटा एंगल पर लेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर अगर एक छोटा सा एरिया पैच लें यह एरिया पैच अगर इसका एरिया है डी एस तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में डी एफ और वो फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे एक फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स होगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स और वाई कॉम्पोनेंट आप देख सकते हो कि रेडियल लाइन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो जो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट होगा वो होगा डी एफ कॉस थीटा, ठीक है ये किधर होगा अलोंग एक्स एक्सेस और जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वो होगा डी एफ साइन जो कि होगा डी एफ कॉस्थीटा हॉरिजेंटल एक्सिस पे और डीएफ साइन वर्टिकल डायरेक्शन में ठीक है अगर सिमेट्रिकली ऐसा ही एक एलिमेंट हमने नीचे की तरफ लिया थीटा एंगल पे तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा जिसका मैग्नेट्यूड डीएफ होगा उसका कोसाइन वाला कॉम्पोन मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो ऐड हो जाएगा जबकि वर्टिकल Y तो हो जाएगा मतलब इस पूरे मिरर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होने वाले हैं और वो ऑरिजेंटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये छोटे छोटे पैचेस के ऊपर इवन इफ इंटेंसिटी सेम है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी आप देख सकते हो डायरेक्शन कैसी होंगी ऐसी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन और ये सारे फोर्सेस को हमको

जिसका मैग्नीट्यूड आप डीएस बोलते थे उस एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा उस एरिया का प्रोजेक्शन यहां इस तरीके से आएगा और ये प्रोजेक्शन कितना होगा डीएस कॉस्थेटा इसका मतलब ये कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कॉस्थेटा आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ डीएस थीटा तो ये कर्व सर्फेसिस पे जितने भी ऐसे एरिया के प्रोजेक्शन है उनका ये समा जाएगा मतलब डी टू, डी बाय टू रेडियस का एक जो ऐसा सर्कल फ्लैट बन रहा है वो सर्कल का एरिया होगा इसका मतलब डीएस बाय टू थीटा का वैल्यू इंटीग्रेशन का हो जाएगा पाए डी बाय टू का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय फोर ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थीटा इज पाई डी स्क्वायर बाय फोर अब यहां आओ, अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ थीटा निकालना है एक्स डायरेक्शन में फोर्स का तो हम डीएफ को df को बोल सकते थे एरिया डी एस मल्टीप्लाइड बाई रेडिएशन प्रेशर टू आई बाई सी और ये टू आई बाई सी ये तो कॉन्स्टेंट है टू आई बाई सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा अंदर इंटीग्रेशन क्या बचेगा कॉस थीटा आगे की स्लाइड में हम लोगों ने डीएस कॉस्थिटा का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया कितना डी स्क्वायर बाय तो ये वैल्यू अगर यहां पे डालोगे तो ये होगा टू आई बाय सी मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर बाय फोर ठीक है और इससे पहले ही हम लोगों ने ये स्टैब्लिश कर लिया था कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा डब्ल्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर तो ये फाइनल आंसर होगा टू डब्ल्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी न्योमेटर में आएगा पाई डी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक और फोर है ना तो चलो फाइनल आंसर यहां से हमको क्या मिलेगा अगर हम लोग फाइनल आंसर देखें तो नीचे एक एट का फैक्टर आएगा पाए कैंसिल हो रहा होगा W रह जाएगा डी स्क्वायर रह जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा और C रह जाएगा इसका मतलब नेट फोर्स जो हमको मिलेगा वो X डायरेक्शन में आएगा क्या क्या बच जाएगा डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 आर स्क्वायर सी एट आर स्क्वायर सी ये फाइनल फोर्स का वैल्यू होगा जो कि X डायरेक्शन में होगा और ये कैलकुलेट करते वक्त हमको किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा एरिया के प्रोजेक्शन से हमारा काम चल गया तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ये वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से हमने रेडिएशन प्रेशर का फोर्स कैलकुलेट किया ये समझ में आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच